अलग देश का वातावरण खराब है, महापुरुषों को उनका जाते वाले लोग जाते याद करते हैं, महापुरुष जो हो गए उनको तो सारा देश के प्रदेश के तमाम लोगों के लिए वो आदर्श है, इसलिए सबको याद करना चाहिए। इसलिए पार्टी के लोगों ने, राष्ट्रीय जनता दल ने काम किया है, अच्छा काम किया है, भोला पासवान शास्त्री जी को याद करते हैं। श्री सरबजीत पासवान जी कहते हैं कि राफेल सौदा के बात नहीं, भोला पासवान जी शास्त्री जी के समय में जो ईमानदारी के प्रतीक थे, इस समय में क्या हुआ? राफेल सौदा हो रहा था, यूपीए गवर्नमेंट के समय में जो फ्रांस से हुआ था, 520 करोड़ में एक राफेल विमान का दाम तय हुआ था, नंबर एक। फिर अपना जो सरकारी कंपनी है नेशनल एरोनॉटिक्स लिमिटेड, उसको भी जुमानी किया गया, नंबर दो। उस समय में नहीं हो सका, सरकार बदल गई, उसके बाद नरेंद्र मोदी जी आ गए, जाकर वह सौदा के 520 करोड़ वाला जो जहाज था उसको 1620 करोड़ में खरीदे। और बिचमानी जो सरकारी कंपनी थी नेशनल एरोनॉटिक्स ऑफ इंडिया लिमिटेड, उसको हटाकर अनिल अंबानी के कंपनी जो कहियो जहाज बनाने का काम नहीं किया उसको उसमें शामिल कर दिया। बता नरेंद्र मोदी 520, अच्छा कहा जाता है कि दाम बताओ, तो कहता है कि गुप्त है, गुप्त ये बताना नहीं है, हर किसी को खर्चा नहीं, बाजार से लाने कहे सामान ले आओ तो कहेगा दाम नहीं बता देंगे, सब पैसा मार दिया। 58,000 करोड़ का इसमें गोल माल नरेंद्र मोदी ने किया, और गवाह है फ्रांस का जो अभी फॉरवर्ड प्रेसिडेंट ओलांदो, उसने कहा है कि नरेंद्र मोदी भ्रष्ट है, चोर, उसने कहा फ्रांस का। संयुक्त संसदीय समिति की मांग रही है, जांच कराओ, जांच कराओ, बार बार वर्षों तक जांच नहीं करा रहे थे, दाम नहीं बता देंगे। अब 520 करोड़ के सामान का दाम बढ़ा करके 1620 करोड़ रुपया दे दिया, 58,000 करोड़, 126 विमान लाना था, कहा उतने दाम में 26 विमान ले आओ। ये सबका जवाब